हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोटोरोला मोबाइल के यहाँ पे जो वॉल्यूम बटन है, यानी कि आवाज यहाँ पे कम या फिर ज्यादा करने के जो बटन होते हैं, वो यहाँ पे खराब हो गए तो आप यहाँ पे आवाज को कम या फिर ज्यादा कैसे कर सकते। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते। इसके लिए आपको आपके मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल के सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे असेबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। असेबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे असेबिलिटी मेनू दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे असेबिलिटी मेनू शॉर्टकट को आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है और इसे यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल में यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे साइड में बटन आ चुका होगा। अब आपको यहाँ पे इस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम डाउन और यहाँ पे वॉल्यूम अप दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाना है तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप के ऊपर क्लिक कर देना है और वॉल्यूम को यहाँ पे कम करना है तो वॉल्यूम डाउन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये बटन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके होम स्क्रीन या फिर कौन सी भी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे इसे प्रेस करके वॉल्यूम को यहाँ पे कम या फिर ज्यादा करना है। अगर आपको इस वीडियो से मदद होती है तो प्लीज दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।